हाय हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं पवन सागर, वेलकम बैक टू फिल्मी डाउन। दोस्तों, फाइनली स्टारिंग में ऋषभ शेट्टी की मूवी कंतारा, इसने बॉक्स ऑफिस पे अच्छी खासी कमाई कर दी है। ये मूवी ना कि ओनली सिर्फ कर्नाटका में या फिर उनके स्पेसिफिक जगह पे चल रही है, बल्कि ये ऑल ओवर इंडिया में चल रही है और मुंबई में भी अच्छा खासा रिपोर्ट इस मूवी को मिल रहा है। दोस्तों, हमारे प्रेम जी ने भी इस मूवी के लिए काफ़ी अच्छी खासी बातें की थी। फाइनली वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ कंतारा। प्लीज़ वेलकम प्रेम जी, हमारे वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट, यानी कि प्रेम जी। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक टू फिल्मी डाउन। आपको थैंक्स बोलूंगा मिस्टर पवन जी फिल्मी टाउन से सर, और फिल्मी टाउन से सर बहुत अच्छे सर है, मतलब पवन जी, और मैं अपने आप को खुश नसीब मान रहा हूँ कि एक सक्सेस में मैं इनके साथ भागीदार हो रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा सक्सेस है। और ऋषभ सर जो कि कंतारा मूवी लेके आए, और मैं उनको इस चीज़ में मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूँ कि जस्ट वो कन्नाड़ा स्पेशली ओनली कन्नाड़ा वर्जन में लेके आए, नॉट अ पैन इंडिया, ये अपने में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको पैन इंडिया में लेके आना चाहिए वो मूवी। इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी और वो 25 करोड़ आज की तारीख में कमा चुकी है और एक ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, क्या बात, और चल चुकी है। और उसका लाइफ टाइम क्या होगा ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन लाइफ टाइम भी उसका बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। और मैंने उस पिक्चर को देखा है, एकदम डीप से देखा है, अच्छे से देखा है, दिल से देखा है। और उसका क्लाइमेक्स तो मैंने उस दिन भी बोल दिया पवन जी के फिल्मी टाउन के माध्यम से कि उसके जैसा क्लाइमेक्स कोई पिक्चर में नहीं बना है। और आज मेरा इतना खुशनसीब दिन है कि आज ब्लॉकबस्टर हो गई है कंतारा, और ऊपर से आज दशहरा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम हिंदुओं का, बहुत बड़ा फेस्टिवल, हम दिवाली को मानते हैं सबसे बड़ा, उसके बाद जो फेस्टिवल आता है वो आता है दशहरा, जिसमें हम लोग अपने दुकान की पूजा करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी गाड़ी नई गाड़ियों का पूजा करते हैं, तो वो बहुत शुभ माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को पहले तो हैप्पी दशहरा बोलूँगा, और ऊपर से मैं ये फाफड़ा और जिलेबी लाया हूँ जो कि इसको शगुन माना जाता है दशहरा के लिए, और ये मैं सर खास कनाडा ऑडियंस के लिए लाया हूँ ताकि वो भी देखे हम ऋषभ सर के मैं अपने जो ये फेस्टिवल है जो मैं अपने घर में मनाता हूँ, लेकिन आज मैं अपने प्यारे से मेरे बचपन निकल गया घेटी गैलेक्सी सिनेमा में आया और मैं फाफड़ा जिलेबी का मजा उठाना चाहता हूँ, इसका टेस्ट उठाना चाहता हूँ कनाडा ऑडियंस लोगों के साथ, उन्हें बताऊँगा और मुंह मीठा करना उनको चाहता हूँ कि वो लोग भी देखें और हम लोग फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, ये मीठी सी जिलेबी होती है और ये नमकीन सा फाफड़ा होता है, तो इसका मज़ा लेते हैं और कनाडा ऑडियंस को बोलते हैं कि ये ऋषभ सर के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर गई है, और वो अगले साल आएंगे तो हम उनकी सेकेंड पार्ट कंतारा का दिवाली मनाएंगे, क्या बात है। हाँ सर, तो ये मैं एक छोटा सा प्लीज अपने पवन सर फिल्मी टाउन को खिला रहा हूँ फिल्मी टाउन के चैनल से। पवन जी, दशहरे की आपको लाख लाख वादाइयाँ, थैंक यू सर। आपको भी मुझे भी थैंक्स, और कनाडा ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगा कि हैप्पी दशहरा टू ऑल आवर कनाडा ऑडियंस, टू ऑल आवर ऋषभ फैंस, टू ऑल आवर सैंडलवुड जिन्होंने ये नया इंडस्ट्रीज लाके हमको बहुत अच्छा कर दिया, और हर आपने जो डेयरिंग दिखाई है वो मैं सब फिल्म लाइन वाले को बोलूँगा कि अपने खाली भाषा में रिलीज करके और एक ब्लॉकबस्टर होना ये अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत फख्र की बात है। ऋषभ सर को हैट्स ऑफ है सर, आपने जो मूवी बनाई है सर, आपने हमको दिखा दिया कि ज़िंदगी में मेहनत करो और अपना दिमाग यूज़ करो तो पब्लिक खुद ही अपने आप आती है और देखती है। और ये कनाडा ऑडियंस के लिए फाफड़ा का एक पीस मैं पवन जी को खिलाऊंगा, और सर ये कनाडा ऑडियंस के लिए मैं भी एक बाइट ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैप्पी दशहरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिएक्शन सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्योर लव टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, टुवर्ड्स द मूवी। सो दोस्तों, आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा सपोर्ट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते रहिए ऐसे कौन से नए वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिएगा फिल्मी टाउन। फिल्मी टाउन।